नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं अपने वर्दी बैच की क्लास नंबर 3 में। दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर, उसमें हम आपको त्रिभुज का पार्ट 2 यानी कि एडवांस लेवल के कुछ फिगर्स पढ़ाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है मजेदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा यार मेरी अगर आर्ट खराब रहे तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो आज का क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि कितने त्रिभुज होंगे। आप लोग इसको जरा काउंट करिए, इसमें कितने त्रिभुज हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का इशू रहता है, किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक रहेगा। आप लोग वहां से जाके उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमसे आराम से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये फिगर है और इसमें पूछा गया है कि कितने त्रिभुज हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि बेसिक फिगर हमारी कितनी है। तो इसमें हमारी दो प्रकार की बेसिक फिगर है, यानी कि एक हमारा आयत है यानी कि रेक्टेंगल है, उसके अंदर त्रिभुज बने हैं, और बाकी चार हमारे जो हैं वो हैं त्रिभुज। त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं और देखते हैं कि नॉर्मली हमको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसमें हमको 8 दिख रहे हैं। तो इसका हम आप लोगों ने पुरानी कक्षाओं में क्लासेस में पढ़ रखा है, मैंने जो पढ़ाई है कि ऐसे जब आता है तो इसको हम डबल कर लेते हैं। अगर इस प्रकार का कोई फिगर है तो उसमें त्रिभुज काउंट करने के लिए हमको जस्ट डबल कर लेते हैं जितनी संख्या होती है। तो 8 × 2 = ये तो हो गए हमारे 16। अब हम इनमें देखते हैं तो इसको काउंट करेंगे यानी कि ये हो गए 3, 1, 2 यानी ये हो गए 3, 1, 2 यानी ये भी 3 हो गए, और 1, 2 यानी ए भी हो गए 3। तो अब हमको नॉर्मली जो दिखने वाले त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और ये 16, यानी कि टोटल 30 त्रिभुज हमको नॉर्मली दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कुछ मन की आंखों से, यानी कि अगर इन सारे फिगर्स को ऐड किया जाए तो क्या कुछ और मिलेगा या कुछ और प्रकार के त्रिभुज मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको मिलता है एक ये वाला त्रिभुज, यानी कि एक ऐसे और एक ऐसे, यानी कि ये हमको 2 त्रिभुज मिल गए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं +2। ऐसे ही हमको चारों त्रिभुजों में ऐसे मतलब मिल जाएंगे जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं अगर 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये टोटल हो जाते हैं 8। अब इसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर तो हमको कोई और नई आकृति या नया त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि देखिए ये ऐसे जब इनको जोड़ेंगे 2 को तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन आगे कोई त्रिभुज इसका नहीं बनेगा। अगर हम इसको अगर जोड़ना चाहें तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल जो त्रिभुज होंगे वो इतने ही बन सकते हैं। तो हम काउंट करते हैं तो ये हो गया 8 + 16 और प्लस ये 3, 3, 3, 4 करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो अब हमारे पास जो टोटल त्रिभुज की संख्या होती है वो कितनी हो जा रही है, 12 और 16 कितना होगा हमारा, और ये 8 यानी कि ये होगा 20 और 16 यानी कि टोटल 36। हमारे पास टोटल त्रिभुज की संख्या जो है वो हो जाएगी 36। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग बस लगाइए, क्वेश्चंस की क्वालिटी हम देंगे आपको। हमारे पास ये आकृति दी गई और इसमें पूछा गया कि कितने त्रिभुज होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल ये पूछ लिया गया। अब जरा हम काउंट करते हैं नॉर्मली, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10। इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15। भाई 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 यानी बस। अब इसके अलावा हम देखते हैं क्या कोई कॉमन त्रिभुज बन रहा है, तो अगर इसको बढ़ाएं मतलब कहीं पर भी हमको इसमें कोई कॉमन त्रिभुज नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको बस ऐड कर दें आपस में, यानी 15 और ये 10 इधर ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 25। ये हमारे पास हो गई त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में। तो मजा आ रहा है दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि यार बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को मजा आना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है एकदम जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है,
जैसे कि ये ऐसे बनी है एक त्रिभुज। अगर देखिए आप लोगों को दिखने का इशू रहे तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में उसे सुधार लिया जाएगा। अब एक ऐसे त्रिभुज बन गया, एक आकृति इसके अंदर देखते हैं, यही ऐसे ऐसे करके ये हो गई आकृतियाँ। अब हमारे पास ये आकृति है और इसमें पूछा गया कि बताइए आप त्रिभुजों की संख्या कितनी, टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो जरा चलिए देखते हैं काउंट करके, एक दो तीन चार, तो इसमें कितने हो गए 10, एक दो तीन यानी कि इसमें कितने हो गए 6, एक दो तीन चार यानी कि इसमें कितने हो गए 10। तो हमारे पास टोटल एक कितने त्रिभुज हो गए 10, एक ये हमारे पास हो गया। अब जरा हम काउंट करते हैं तो 10 + 10 + 6 और प्लस ये वाला एक प्लस एक, अब हमारे पास कितने होंगे 10 10 6 1। अब देखते हैं कहीं और कोई त्रिभुज बच रहा है, तो हमारे पास एक ये वाला त्रिभुज बच रहा है, कौन सा, ये वाला एक त्रिभुज बच रहा है, तो इसको भी हम काउंट कर लें। अब देखते हैं टोटल कितने त्रिभुज हो गए 10 10 20 6 26 1 27 और एक ये 28, तो टोटल इसमें कितने हो गए त्रिभुज, ये हो गए 28। तो हमारे पास इस आकृति में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए, ये हो गए 28। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बेहतरीन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे एडवांस क्वेश्चन किसी भी स्टेट लेवल की परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, चलिए ऐसे बन गई एक, ये बन गई आकृति हमारी। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, अब अभी भाई त्रिभुज तो बनाने ही थे, चलो ये बन गए त्रिभुज। अब इसमें पूछा गया कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो चलिए काउंट करते हैं दोस्तों, एक दो तीन और चार, तो ऐसे ही ये चार आकृतियां मेरे पास हैं, तो सब में कितने जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 4 × 8 यानी कि टोटल इसमें हो गए 8, तो ऐसे ही हर आकृति में कितने 8 त्रिभुज बन जाएंगे, तो इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, तो टोटल हमारे पास त्रिभुज जो हम अपनी आराम से नंगी आंखों से देख सकते हैं या सामान्य आंखों से देख सकते हैं, तो हमारे पास टोटल त्रिभुज हो गए 32 भाई, 8 8 16 8 3 24 और 8 6 32, ये हो गए त्रिभुज इतने। अब हम देखते हैं कुछ और, अगर हम इन त्रिभुजों को मतलब इन ट्रायंगल्स को आपस में जोड़ें तो कुछ और नए ट्रायंगल्स बन सकते हैं क्या, तो पहले हम इसको इसको आपस में जोड़ते हैं, तो देखते हैं क्या नया बनता है। तो एक ये वाला हमारा नया त्रिभुज बन जाएगा, तो प्लस एक करते हैं और एक ये दो नए त्रिभुज बन जाएंगे, तो इनको हमने जोड़ दिया। अब देखते हैं कुछ और बन रहा है, इसको और इसको आपस में जोड़ते हैं, जब इसको इसको जोड़ेंगे तो एक ये नया त्रिभुज बन रहा है और एक ये नया त्रिभुज बन रहा है, तो फिर हम दो जोड़ दे रहे हैं। फिर अब देखते हैं इसको इसको आपस में जोड़ के, तो एक ये नया त्रिभुज बन रहा है और एक ये नया त्रिभुज बन रहा है, तो फिर प्लस दो कर दे रहे हैं। उसके बाद देखने के कुछ और मिलता है, तो एक हमारा ये वाला त्रिभुज भी मिल जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला त्रिभुज मिल गया, तो हमारे पास अब कितने हो गए त्रिभुज। अब इसके अलावा देखते हैं क्या कुछ और मिल रहा है, तो नहीं, और कोई त्रिभुज नहीं मिल रहा है, तो हमारा टोटल इसी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर सा त्रिभुज पता चल जाएंगे, तो 32 2 34 2 36 2 38 और 1 39, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 39। अब 39 से ज्यादा इसमें त्रिभुज नहीं हो सकते हैं, ये भी क्लियर, और दूसरा इससे टफ क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जा सकता, ये भी क्लियर है। अब चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो थोड़ा इससे और ज्यादा एडवांस का होगा। एक चीज आप लोगों को याद रखने वाली है, जैसे कि हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इसमें एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या कैसे भी करके याद रखिए, हालांकि इसको मैं सॉल्व करके अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, पर इसको हमेशा याद रखिए, ये जो आकृति बनी है इसमें हमेशा 16 त्रिभुज होते हैं, 16 त्रिभुज हमेशा होते हैं, इसको चाहे आप लोग याद करके रखिए, चाहे आप देखिए मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए। अब जरा हम देखते हैं कि दो त्रिभुज को अगर हम आपस में काउंट कर लें,
तो जैसे इसको इसको करेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, तीन। ऐसे इसमें करेंगे तो इसमें तीन, फिर ऐसे ऐसे करेंगे तीन। तो टोटल ऐसे करके जब उसको काउंट करेंगे, एक दो तीन, ठीक है, एक दो, ऐसे ऐसे हम करेंगे तो टोटल हमारे इसमें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल 16 आ जाते हैं। तो ये हमारी एक है बेसिक फिगर। तो चाहे तो आप लोग इसको नोट डाउन करके रखें या हमेशा याद करके रखें। अब ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में हमको देगी हेल्प। अब वो देखते हैं कैसे, चलो इसको मिटाते नहीं, इसको बना रहने देते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हमारे अगले क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। जैसे हमारी एक ये फिगर बनी है, एक ऐसे एक फिगर बना दी गई, और अब ऐसे एक फिगर बना दी गई हमारी और पूछा गया कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, ये हमारी बेसिक फिगर है तो इसको याद रखते हैं। इसमें कितने हैं, 16 हैं, और एक दो तीन चार, तो इसमें टोटल कितने हैं, 8। बस ऐसे हम ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 24। बस इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे कितने त्रिभुज हो गए, वो हो गए टोटल 24 हो गए। अब हम ऐसे ही अपनी एक और आकृति देखते हैं, एक और हम अपना क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि एक और बना दी गई ऐसे लाइन, और उसमें हमसे पूछा गया कि कितने त्रिभुज होंगे। ऐसे एक आकृति बना दी गई और हमसे पूछा गया कि अब बताइए इसके अंदर और कितने त्रिभुज हो सकते हैं। तो जरा हम इसको काउंट करके देखते हैं। तो देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, क्योंकि हमारे पास दो बेसिक फिगर है, एक ये बेसिक फिगर है, एक ये बेसिक फिगर है, दो हमारे पास बेसिक फिगर है, तो इसमें हम काउंट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम 16 लिख लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक फिगर, हमने इसको देख लिया कि इसमें 16 होते हैं त्रिभुज। तो एक ये हो गई, इसमें देखते हैं 8, तो 8 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 16 बराबर कितना हो गया, 32। अब देखते हैं क्या कुछ और हमको मिलता है, तो जरा इसको इधर काउंट करके देखते हैं। तो क्या मिलता है, एक जे वाला हमको त्रिभुज मिल जाएगा ऐसे, तो प्लस प्लस एक हो गया। फिर और देखते हैं तो एक जे वाला त्रिभुज भी तो मिल जाएगा, तो प्लस एक। ऐसे ही जब हम इधर नीचे देखेंगे तो एक ये त्रिभुज मिलेगा और एक ये त्रिभुज मिलेगा, तो प्लस दो ये। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 16 प्लस 16 32, 33 34, 34 दो 36। तो टोटल इसका आंसर आ गया कितना, 36। यानी कि 36 त्रिभुज टोटल इस आकृति में हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, वो भी इसी से रिलेटेड है। अब देखिए, एक टाइप के मैं दो तीन क्वेश्चन किस लिए करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा न लगे कि बस एक बार पढ़ ली और आप लोगों को समझना है, इसलिए दो तीन चार क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप लोग अच्छे से समझ भी सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन हमारे पास है और पूछा गया कि इसके अंदर बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें बेसिक फिगर कितनी है। तो एक बेसिक फिगर ये है आयत वाली, दूसरी एक बेसिक फिगर ये है, और तीसरी ये बेसिक फिगर, और चौथी ये, तो इसमें 4 बेसिक फिगर है। तो इन्हीं बेसिक फिगर के आधार पर इस क्वेश्चन को पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कितना, एक दो तीन चार, तो टोटल इसमें कितने हो गए, 8। एक दो तीन चार, तो इसमें कितने हो गए, 8। एक दो, यानी इसमें हो गए 3 त्रिभुज। एक दो, यानी कि इसमें भी हो गए 3 त्रिभुज। तो इतने त्रिभुज तो हम नॉर्मली देख पा रहे हैं, यानी 8 दुनी 16 और 16 3 19, 3 22, यानी कि हम 22 त्रिभुज तो नॉर्मली देख पा रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर हम इन आकृतियों को अगर आपस में मिलाते हैं तो क्या कुछ और नए त्रिभुज बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो नए त्रिभुज कौन बनेंगे अगर हम इनको आपस में मिला दें। तो जैसे एक ये वाला बन जाएगा ये, तो प्लस 1। ऐसे ही एक त्रिभुज एक ये वाला बन जाएगा एक, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। अब अगर इधर से दो बन रहे हैं तो इधर से भी तो दो बनेंगे, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे प्लस 2 ये हो गए। तो टोटल अब कितने, इसके अलावा देखिए कुछ और बन रहा है। देखिए ये दो तो आपस में मिल चुके हैं,
अगर ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं तो यहाँ से कुछ नया त्रिभुज तो बनेगा नहीं, तो अगर वहाँ से कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा, एक ये वाला त्रिभुज बनेगा जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, और एक ये वाला त्रिभुज बनेगा, तो इन दोनों को भी हम आपस में जोड़ते हैं। अब देखते हैं, अब इसके अलावा कोई और त्रिभुज नया बन रहा है, अब और कोई नया त्रिभुज नहीं बना, तो देखते हैं 22, 24, 24, 26, 28, तो यहाँ टोटल कुछ आंसर कितना हो जाएगा 28, यानी इसमें टोटल कितने बन रहे त्रिभुज 28। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए आप लोग करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा चलिए मैं ही कर दे रहा हूँ यार, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2। अब बताइए जरा इसमें कितने होंगे, इसके हो जाएंगे 8, 3, 3। और देखो इसके अलावा कुछ और इसमें कॉमन मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं है, तो 8, 3, 11, 3, 14, यानी कि 8 + 3 + 3 = 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएं, अगर ऐसी कोई फिगर आए तो आप लोग तुरंत उसको सॉल्व कर पाए। अब बताइए जरा इसमें कितने त्रिभुज हैं, सॉल्व करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 1, 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे इधर 3, ये हो जाएंगे, ये 12 हो गए, 6 × 2 = 12, और ये कितने हो जाएंगे 3, तो 12, 3, 15, 3, 18, इतने हो गए। अब देखते हैं कुछ और इसके अंदर क्या होता है क्या, तो एक ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा अगर हम दोनों को काउंट करते हैं, एक ये बन जाएगा, 2 ये हो गए, तो +2, ऐसे ही जब इधर जोड़ेंगे तो प्लस एक ये और एक ये, यानी कि +2। अब इसके अलावा देखते हैं कुछ और बनता है नहीं, 12, 4, 16, 16, 3, 18, 18, 3, 12, 4, 16, 16, 3, 19, 19, 3, 22, +12, +6, यानी कि इसके अंदर टोटल हो जाएंगे 22, यानी कि 22 त्रिभुज इसके अंदर है। अब मुझे नहीं लगता कि त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आए नॉर्मल या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लेवल का तो आप लोग लगा ना पाए। चलिए एक एडवांस त्रिभुज बताते हैं आप लोगों को, मजा आएगा, और एक चीज छोड़ दूंगा वो अगली क्लास में बताऊंगा। चलिए एक ऐसे आकृति बना दी गई, एक आकृति ऐसे बना दी गई, तो बताइए जरा इनमें कितने त्रिभुज होंगे, काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग इधर नोट कर लीजिएगा, कि अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, यानी कि जो नंबर्स ऑफ लाइन हैं, जो नंबर्स ऑफ लाइन है, अगर ये दोनों सेम होती, अगर ऊपर से पढ़ने वाली जो लाइन है और नीचे से, मतलब जो ऊपर से लंब डाला जाता है और इधर साइड से लंब डाला जाता है, अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे जो त्रिभुज काउंट किए जाते हैं 1, 2, 1, 2 करके, इनका हम सीधे क्यूब कर देते हैं, बस उतने ही त्रिभुज होंगे। जैसे कि 1, 2 इधर है, 1, 2 इधर है, यानी कि ये रेखा 1 और ये बराबर है, तो इसका हम क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा है वो है 8। ऐसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो ऊपर से लंब पड़ रहे हैं वो कितने हैं 1, 2, नीचे से कितने 1, 2, तो जब ऊपर से और साइड से अगर पड़ने वाली रेखाएं या लंब सेम होते हैं तो बस हम इनका काउंट करते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसका जो सबसे बड़ी नंबर होती है इसका क्यूब कर देते हैं, तो 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो आएगा 27, यही इसका आंसर है। वैसे ही
जब हम इधर देखते हैं तो इसमें कितने ऊपर से लंब पड़ रहे हैं, एक दो तीन लंब पड़ रहे हैं, इधर एक दो तीन पड़ रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे, एक दो तीन चार इसका हम नंबरिंग कर लेंगे। इधर इस साइड में एक दो तीन चार, चार तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है इसका हम कर लेंगे क्यूब, चार का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। बस यही इसका आंसर है। तो ये होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बेहतरीन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आप मात्र 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो बस लेके बैठे रहेंगे। अब देखते हैं कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि हमारा एक और क्वेश्चन होता है जिसमें ये पढ़ने वाली रेखाएं जो हैं वो सेम ना हो, तो अब बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, बता सकता है कोई? चलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ, इसको हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, अगली क्लास हमारी जो होगी नेक्स्ट वीक में आएगी, यानी कि संडे के दिन, तब हम मिलते हैं इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, तब तक आप लोग जो पढ़ाए हुए रिवीजन करते रहिए, अपना जो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ते रहिए, प्रभु सर मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोग मैथ पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर रीजनिंग क्लास के साथ हम संडे को। जय हिंद दोस्तों।